फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन की जिंदगी, यानी इनकी लाइफ के बारे में आप जान सकेंगे और इनके कारनामे और इनके साइंस की दुनिया में कारनामों के बारे में आप भी जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंसदानों ने अपनी साइंस पर नजर सानी की और फिलासफरों ने अपनी फिलासफी पर। जब 1955 में एक गुमनाम क्लर्क का एक मजमून साइंस के किसी जिदे में छपा, जिसमें उसने कायनात के राज दरियाफ्त करने का दावा किया था। ये गुमनाम क्लर्क दौरे हाजिर का सबसे बड़ा साइंसदान बना और 20वीं सदी की अजीम तरीन शख्सियात में इसका शुमार हुआ। बचपन में इस होनहार के में ऐसी टीचरों को कोई बात नजर न आई। उसके साधों ने कहा कि लड़का जहनी तौर पर सुस्त है और गैर मजलिसी और ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। कौन जानता था कि इसकी ये दुनिया हमारी हकीकी दुनिया से ज्यादा हकीकी साबित होगी। और इस बच्चे का नाम जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1889 को जनूबी जर्मनी के एक शहर अलम में पैदा हुआ, मगर उसने अपना ज्यादातर बचपन म्यूक में गुजारा। बचपन के नाकाबले फरामोश वाकयात बयान करते हुए वो बाप के दो तोहफों का भी जिक्र करता है। पहला 5 साल की उम्र में मिला मकनातीसी कुतुब नमा और फिर 12 साल की उम्र में ज्योमेट्री की किताब मिली। उसने अपनी माँ से संगीत सीखा। कुतुब नमा ज्योमेट्री और वायलिन के गिर्द ही उसकी सारी जिंदगी घूमती रही। सितारों की गर्दिश हरकतों में वही रबत और लय होनी चाहिए जो वायलिन की सुरों में होती है। आइंस्टाइन के लिए संगीत और साइंस एक ही लम्हे दो नाम थी। स्कूल में किताबों के स्वास का कोई दोस्त ना था। जब वो सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हुआ तो उसका बाप कारोबार के लिए इटली चला गया। आइंस्टाइन म्यूक में और भी अकेला हो गया। 16 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बाप ने सलाह दी कि फलसफियाना जहालतों को छोड़कर कारोबार की तरफ ध्यान दी, मगर बच्चे की जिद से मजबूर होकर बाप ने उसे रियाजी की तालीम हासिल करने की इजाजत दे दी। पॉलिटेक्निक अकादमी में उसे बमुश्किल दाखला मिला। वहां रियाजी और फिजिक्स के अलावा आइंस्टाइन ने शोपन हावर और कांट के फलसफा डार्विन के इर्तका और इश्तराकियत की इक्तसादियात का मुताला किया। जोशियम की वायलिन भी सुनी। डिग्री लेने के बाद नौकरी हासिल करने के लिए कई स्कूलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन मायूसी हुई। 1905 में आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड के एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी की हम साथी, जो कि अपनी एक हम जमात लड़की थी उसकी, उससे शादी कर ली। दफ्तर के काम की बजाय वो ज्यादा वक्त सितारों के ख्वाबों और हसाबी अरबों में खोया रहता। वो फिजिक्स की एक नई थ्योरी बनाने में मशगूल था। सिवाय अपनी बीवी के उसने उसका किसी और से जिक्र ना किया। बड़ी आजी से आइंस्टाइन ने एक अखबार के एडिटर से दरख्वास्त की कि उसके मजमून के लिए अखबार में कोई जगह निकाली जाए। एडिटर रजामंद हो गया और एक तारीखी वाका भी बन गया। इसमें कायनात का राज इससे बढ़कर एटम का राज पिन्हा था। फिलासफरों ने इससे हस्ती का राज तलाश किया। साइंसदानों ने इससे इंसान को
कुरा जमीन की लाखों वर्ष की कैसे आजाद करने का राज पाया। और जंगबाजों ने इससे नुए इंसान का नामो निशान बिठाने का राज हासिल किया। आइंस्टाइन ने फिजिक्स पर न्यूटन के दो साल तक इसका तसल्लत जो है खत्म किया। उसने बिल्कुल इसी तरह नई साइंस की बुनियाद रखी जिस तरह न्यूटन ने अरस्तु का तसल्लत खत्म करके नई साइंस की बुनियाद रखी थी। अब तक ये समझा जाता था कि मादा की कुल मकदार जो है वो मुकर्रर है, जिसमें कमी बेशी नामुमकिन है। आइंस्टाइन ने बताया कि वो मादा और कुव्वत एक दूसरे में तब्दील करना मुमकिन है। उसने इन्हें तब्दील करने का फार्मूला भी पेश किया, जिसके मुताबिक कुव्वत जो है मादा एक्स रोशनी की रफ्तार जर्व रोशनी की रफ्तार है। इससे जाहिर होता है जाहिर होगा कि थोड़ी सी मकदार के मादे से बेपनाह कुव्वत पैदा हो सकती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार जो है वो 1,80,000 मील फी सेकंड है। इस हिसाब से अगर 1 पौंड कोयला पूरी तरह कुव्वत में तब्दील हो सके तो उससे 1 खरब किलोवाट पावर बिजली जो है वह पैदा हो सकेगी। इस फार्मूले से सूरज की कुव्वत का राज भी समझ में आया। सूरज की रोशनी और गर्मी ईंधन के जलने से नहीं बल्कि इसके मादे की कुव्वत में तब्दीली की वजह है, जिसकी थोड़ी सी मकदार भी हजारों साल के लिए कुव्वत मुहैया कर सकती है। यही असूल एटम बम बनाने वालों के काम आया। यूरेनियम या किसी और गैर मुस्तहकम एटम वाली दात की थोड़ी सी मकदार के एटमों को तोड़ने से बेअंदाजा जो है इसमें कुव्वत पैदा हो सकती है, जिसे तबाही के काम में भी लाया जा सकता है। 6 अगस्त 1945 को एक ऐसे ही बम ने जापान के शहर हिरोशिमा में हजारों अफराद को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी तादाद को मजबूर कर दिया। आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि मुतहरक चीजों के बारे में न्यूटन का असूल उसी रोशनी पर लागू नहीं होता, चाहे वो रोशनी का मंबा कितनी ही तेजी से हरकत करे, रोशनी की रफ्तार में फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन ने कहा कि हर चीज साकार होने की कोशिश करती है। आइंस्टाइन ने ऐलान किया कि हर चीज हर वक्त हरकत में रहती है, मगर चीजों की हरकत एक दूसरे की निस्बत से होती है। अगर वो चीजें एक सिमत में एक जैसी हरकत में हों तो वो एक दूसरे के लिए साकन होंगी, मगर बाकी सबके लिए मुतहरक। हरकत की रफ्तार और रफ्तार का रुख मुशाहदा करने वाले के मकाम की निस्बत से तय होता है। जमीन की सतह पर से देखने वालों को जमीन पर मुतहरक जो चीज सीधी लाइन में चलती नजर आएगी, खला से मुशाहदा करने वाले को उसका रास्ता गोलाई में नजर आएगा। किसी चीज की हरकत की रफ्तार मुशाहदा करने वाले की रफ्तार और रुख की निस्बत से तय होगी। चलती गाड़ी की रफ्तार साकन आदमी के लिए एक होगी, इसी समत में जाने वाली दूसरी गाड़ी में बैठे हुए आदमी के लिए दूसरी होगी और मुखालफ सिमत में जाने वाली गाड़ी में बैठे आदमी के लिए तीसरी होगी। रफ्तार और रफ्तार के रुख के अलावा किसी चीज की जसामत में मुशाहदा करने वाले की पोजीशन पर मुनहसर है। हरकत से चीजों की जसामत छोटी हो जाती है, और अगर मुशाहदा करने वाली चलती गाड़ी में बैठा हो तो उसे गाड़ी साकर नजर आएगी और बाहर से देखने वाले की निस्बत गाड़ी लंबी नजर आएगी। जो जो रफ्तार तेज होती है होती जाएगी, जसामत कम होती जाएगी। अगर एक गज लंबाई की छड़ी को रोशनी की रफ्तार से हरकत में लाना मुमकिन हो तो उसकी लंबाई सिफर हो जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ वक्तों में इसकी लंबाई मुख्तलिफ होगी। इसी तरह लंबाई या फासले की हस्ती वक्त की निस्बत है, वक्त की भी आजाद हस्ती नहीं। इसकी नौयत भी देखने वाले की पोजीशन के मुताबिक बदल जाती है। हमारा वक्त हमारी दुनिया की ही चीज है। हर दुनिया, हर सियारे और हर सितारे का अपना वक्त है। जो हमारे लिए आज है वो किसी दूसरे सियारे के लिए कल होगा और किसी तीसरे के लिए परसों। कोई हकीकत और ये गैर मशरूत नहीं।
वक्त के साथ आइंस्टाइन की शख्सियत का सिक्का जमना शुरू हो गया और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसरी का ओहदा भी पेश किया। उसे और पेशकशें भी हुई, आखिर में उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी कबूल कर ली। इस तारीख के सबसे बड़े साइंसदानों में इनका शुमार होता है। फिजिक्स के मैदान में इसकी खिदमात के इतराफ में इनको नोबल इनाम भी दिया गया और 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन चल बसा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।